फाइनल रेट इसका क्या देंगे आप? 2 लाख रुपए से कम क्या करूँ, इतना का तो मेरे थोड़ा सा और कम कर लेना। आप मेरी जो पेंटिंग है ना, आप इन्हें धूप में 1000 साल भी रखेंगे ना, ये फेड होंगी ना, इन्हें कुछ और होगा। थोड़ा सा लेकिन धूप में तो मेकअप भी खराब हो जाता है। ठीक है, फॉर यू इट्स फॉर 1,50,000। नहीं नहीं नहीं, ये भी बहुत ज्यादा है, और कम कर। आप मुझे बताओ आप कितने किलो? 4,000। सिर्फ आपकी जात के लिए आपने बनाया हुआ, कोस दूंगा सिर्फ आपको। नहीं भाई, तू एंजल है फिर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मेज़बान यासर शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है, और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। राबी पीरज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा की एक बड़ी जबरदस्त पेंटिंग बनाई है। आपको दूर से महसूस हो रहा होगा ये तस्वीर है, इसका एक बड़ा जबरदस्त टेक्सचर है, और ये कैनवस के ऊपर पेंटिंग हुई हुई है, जिसमें आप डेप्थ, पर्सपेक्टिव, बैलेंस, ईच एंड एवरीथिंग जो एक पेंटिंग में या किसी भी एक जो एक पेंटर होता है, अल्लाह ताला की जो तख्लीक है उसको उस तस्वीरी फॉर्म में ढालना एक बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन राबी ने जिस तरीके से मरियम नवाज शरीफ साहिबा का नाक, होंठ, आंखें, कान और ये आईब्रोज, बाल और फिर बालों के शेड्स और स्किन के शेड्स जिस तरीके से बनाए हैं वो आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ साबिक आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनकी भी पेंटिंग बनाई है। इनका ये कहना है कि मैं इमरान खान साहब की कोई भी पेंटिंग बनाती हूँ तो वो हाथों हाथ बिक जाती है। इवन अभी मैं उसकी मेकिंग में होती हूँ, लोग ऑर्डर देकर उसकी प्री बुकिंग करवा लेते हैं, लेकिन मैंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पेंटिंग बनाई है, इसको कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इसमें मेहनत भी ज्यादा हुई है, उसमें टाइम भी ज्यादा लगा है, क्योंकि आमतौर पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की कोई तस्वीरें है नहीं। राबी मुझे बताइएगा कि ये मसला है कि अभी क्यों नहीं रही? 2 साल पहले जब मैंने काम शुरू किया, अपने स्कूल्स बनाए और औरतों के रिस्क हलाल के प्रोग्राम स्टार्ट किए, तो मैंने सोचा फंड्स कहाँ से लूँ, मांगना तो मुझे नहीं आता, तो मैंने आर्ट बेचना शुरू किया। तो मुझे ऐसे लगा जैसे इनके पास बहुत पैसे हैं, और मरियम नवाज जो है वो लोगों को मुझे लगा कि बहुत पसंद है। दूसरा, टू बी ऑनेस्ट, कि इनका चेहरा अट्रैक्टिव भी है, तो मैंने फिर उनके पोर्ट्रेट बनाया और बड़े दिल से बनाया, जैसे आपने बताया बड़ी मेहनत इसके अंदर की, जो मैंने आज तक इमरान खान साहब के पोर्ट्रेट पर नहीं की कभी। क्यों नहीं रही? पता नहीं, मैंने उनको बल्कि मरियम नवाज साहब को टैग भी किया और मैंने कहा कि इसकी जितनी भी अमाउंट है वो बच्चे बेचारे जो डिजर्विंग बच्चे हैं, तकरीबन 550 स्टूडेंट्स हैं, उनकी किताबें, कॉपियां, एजुकेशन सब फ्री है, वो बच्चे आपको खुद ये देंगे, और आप बच्चों से मिल भी लें कि वो कितने बेचारे डिजर्विंग फैमिली से आते हैं। और समहाउ उनके किसी फॉलोअर ने भी नहीं ली, कुछ लोगों ने कॉन्टेक्ट किया हमें, लेकिन दे वॉन्टेड मी टू गिव इट फ्री फॉर मरियम नवाज। मुझे ये लगता है कि शायद मरियम साहिबा ने खुद भी इसलिए ना ली हो, हालांकि इन्होंने टैग भी किया, आपने थोड़ी सी इनकी डबल चिन बना दी है। वो तो बड़ी ब्यूटी कॉन्शियस हैं और वो तो बड़ा ख्याल रखती हैं इस चीज का। एग्जैक्टली मैं बताऊं कि पाकिस्तान में हाइपर रियलिस्टिक आर्ट जो है वो सिर्फ मैं करती हूं, और ये हो ही नहीं सकता कि मेरी पेंटिंग के ऊपर कोई जो है वो बिल्कुल, अगर उनकी डबल चिन है तो मैंने बनाई है, वैसे मैंने छुपा दिया शेड्स। उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी से खत्म करवाई हुई है फिर आपको लगता है? नहीं नहीं, मैं ऐसा कमेंट नहीं करूंगी यासिर भाई, मुझे पता है आप लोग कैसे घेरते हैं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस पे आपकी कितनी मेहनत हुई है, ये जो मेकअप आपने किया है वो आमतौर पर तो इतना मेकअप करती नहीं है, वो तो ऐसे नेचुरल ब्यूटी है। नहीं, उनका जो है वो मुझे लगता है जैसे परमानेंट मेकअप है, बिकॉज मैं ब्यूटिशियन भी रही हूँ एक अरसे में, और मैं शोबे से रिलेटेड भी रही हूँ। आई थिंक दैट्स अ परमानेंट मेकअप, स्पेशली जो उनकी आईब्रोज हैं उनका परमानेंट मेकअप है, और लेकिन फीचर्स उनके अच्छे हैं, शी हैज अ प्रीटी फेस। अब मैं डेफिनेटली मरियम नवाज साहिबा को ये तो नहीं कहूंगी कि वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के नैन नक्श मेरे जैसे हैं, वो पता नहीं, आप ज्यादा प्यारे। इसको अगर बेचेंगे तो कितने पैसों में बेचेंगे? मेरी जो पोर्ट्रेट्स हैं वो 3 लाख से स्टार्ट होती हैं, और ये वाला जो साइज है ये 5 to 6 लाख होता है, लेकिन मैं इसको ना 2 लाख रुपए में भी बेचती हूँ। ले नहीं रहा, इसलिए कम कर रही है। हाँ चलो, मैं 1.5 लाख रुपए में भी बेच लूंगी। बाजवा साहब की भी आपने पेंटिंग बनाई है और बड़ी खूबसूरत बनाई है, इन दोनों पेंटिंग्स के बनाने का मकसद क्या था? आर्मी से तो लोग बड़ा प्यार करते हैं, इनकी तो बिक जानी चाहिए। और बाजवा साहब की पेंटिंग मैंने बेसिकली उनकी यूनिफॉर्म की वजह से बनाई थी, कि जो मेडल्स बनाने और ये जो वर्दी बनाना है इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। ये कितने में बेच रही हैं? ये भी 6 लाख रुपीज की है। बिक जाएगी आपके ख्याल से? मैं इसको कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बेचती, मैं तो इसलिए बेचती हूँ कि ह्यूमैनिटी, लोगों की मदद हो जाए। बड़ी पुरानी बनी है, 3 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी। बाजवा साहब क्यूट हैं, अगर इनका साइड पोज देखे ना, हम जिस साइड से मैं देख रहा हूँ ये प्यारे लग रहे हैं। आपको क्यूट लगते हैं? लगता ही नहीं है कि एक बंदा होगा जिसने मतलब सारा कुछ ही इधर उधर कर दिया होगा, ऐसे क्यूट सा बंदा होगा। बताऊँ कि अल्लाह की मखलूक सारी बहुत खूबसूरत है, हर इंसान खूबसूरत है, अनलेस हम उसको सर्जरी से ना बिगाड़े। जो इंसान जिसकी शक्ल बुरी होती है उसकी पेंटिंग ज्यादा अच्छी बनती है, इट्स अ नेचुरल फिनोमेना। ये फिर अच्छी आप इसलिए कह रही हैं?
आपकी तो दोनों बहुत अच्छी है। मैंने बिल्कुल किसी के बारे में नेगेटिव कमेंट नहीं देना, मैं तो आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। लेकिन खान साहब के तो चेहरे पर बहुत ज्यादा मतलब वो है, झुरियाँ हैं और बहुत ज्यादा, और इसलिए आर्टिस्ट उनकी पिक्चर बनाना पसंद करते हैं क्योंकि बड़ी आर्टिस्टिक सी लुक है। लेकिन ये बहुत ज्यादा जो है वो प्लेन फेस है, और लेडीज का जिस तरीके से मेकअप करके भी प्लेन फेस होता है उसको बनाना ज्यादा मुश्किल होता है, तो आपको इसमें कोई डिफिकल्टी पेश आई? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसको ना बहुत ज्यादा इनके रिंकल्स नहीं पड़ते यहाँ पर, ये तेवरिया नहीं चढ़ा सकती, इनका फेस जो है वो बहुत स्टिफ सा है। और इसमें ये जो स्माइल अगर आप ये देखें, ये भी बड़े मुश्किल से मैंने दिया, ओरिजिनली इनकी तस्वीरें। लेकिन वो उनकी गर्दन पर वो जो यहाँ से पर दो निशान आते हैं उसको पता नहीं वुमेन्स क्या कहती हैं, ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहा जाता है मुझे नहीं पता, वो कहते हैं कि वो खाल लटक जाती है उम्र के साथ साथ। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं? मरियम नवाज ने आपका इंटरव्यू देख लिया ना, आपको नहीं छोड़ेंगे वो? नहीं, हम तो आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट तो डेप्थ में बात करता है, फीचर्स पे बात कर रहे हैं ना, क्योंकि मैं खुद भी आर्टिस्ट हूं तो मैं तो फीचर्स पे बात कर रहा हूं। उनकी गर्दन जो है वो दुपट्टे से छुपा दी थी। देयर इज, देखो हर नोबडी इज परफेक्ट, उनमें प्रॉब्लम थी मरियम नवाज में। और आपने इमरान खान साहब की बात की, ऑनेस्टली स्पीकिंग बीइंग एन आर्टिस्ट नॉट, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही, मैं सिर्फ पाकिस्तान को सपोर्ट करती हूं। इमरान खान साहब इज अ वेरी हैंडसम फेस, माशाल्लाह माशाल्लाह उनका फेस, मरियम उनसे ज्यादा खूबसूरत है, नेचुरल ब्यूटी है। सब हर बार यूं यूं करके उन्होंने अपना सारा जो है ना वो चेहरा ही उस पर अजीबोगरीब कर लिया हुआ। बाजवा साहब आपको बड़े गुस्से से देख रहे हैं, राबी तो की गीता है। नहीं वो मुझे नहीं, वो मरियम नवाज को गुस्से से देख रहे हैं, आप देखे पॉइंट ऑफ व्यू उनका, मैं नहीं, फिर भी उनको स्माइल देके जो है ना वो इग्नोर कर रही है। इसके बारे में क्या कमेंट करूं? बाजवा साहब को भी मैंने देखे, जब मैंने बाजवा साहब की पेंटिंग बनाई थी तो उस वक्त उनकी कंट्रोवर्सीज नहीं आई थी। खान साहब की जब आप पेंटिंग बनाती हैं तो वो कितनी देर में बिक जाती है, वो मेकिंग के दौरान ही ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं? खान साहब की जब मैं स्टार्ट करती हूँ एंड आई अनाउंस इट कि मैं खान साहब का पोर्ट्रेट या स्केच बनाना शुरू कर रही हूँ और ये बिकता है, और इसमें मैं किसी पार्टी को फेवर नहीं कर रही हूँ, ऑनेस्टली वो बिक जाता है। क्यों नहीं बिक रहा, गवर्नमेंट बिक गई है तो ये तस्वीर क्यों नहीं बिक रही? देखिए ना वो आपने आंटी वाली वीडियो जिसमें वो कहती है बेटा ये गवर्नमेंट बिक गई है, गंदी गालियां भी देती है साहब, ये बिक गई है गवर्नमेंट। मुझे लग रहा है यासिर भाई ये आप खरीद लेंगे। मैं खरीद लूंगा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा हमारी बहन है, हम खरीद लेंगे, आप भी मेरी बहन है। लेकिन ये जो आप 2 लाख रुपए कह रहे हैं इसमें यकीन करें किसी ने भी नहीं खरीदनी मेरे साथ। नवाज शरीफ साहब की बना लें शायद वो दस्ती बिक जाए, वो हैं भी इतने क्यूट, गोंगलू से पिंक से हैं वो। शायद नहीं, अगर आप खरीदने का ऑर्डर करते हैं तो मैं बना देती हूँ। जी आप बनाएं और नवाज शरीफ साहब को मैं अपनी तरफ से जो है वो गिफ्ट करूंगा, मेरे कुछ 2-4 हैं अच्छे दोस्त जो उनके बहुत करीब हैं तो उन तक फिर मैं पहुंचा दूंगा। आप मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कोई पैगाम देना चाहती हैं तो दे दें। मैं मरियम नवाज साहिबा को यही कहूंगी कि आप बहुत अच्छे काम करती होंगी। जो सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी की दुश्मनी में ना हम उसको प्रमोट कर जाते हैं, तो हमें अवॉइड करना चाहिए किसी के बारे में हम बुरा ना बोलें, हुस्ने ज़न रखें, हर चीज़ में अच्छाई ढूंढें। मैंने जब आपको पहली दफ़ा ये पेंटिंग खरीदने का कहा था तो मेरा मकसद जो था वो ये था कि बहुत सारे गरीब बच्चों की मदद हो जाएगी, बहुत सारे आप आके मेरे पास, मेरे स्कूल्स में आए, मेरे कुरान स्कूल्स में आए, जिन खवातीन, रिस्पॉन्स नहीं आया था इनकी तरफ से कोई, बिल्कुल भी नहीं आया था, पूरी दुनिया से आया था, इनकी और इनकी टीम की तरफ से नहीं आया था। इस चीज़ को मैं आगे मजीद बढ़ाता चलूँ क्योंकि मैं राबी को पर्सनली जानता हूँ और हमारा बहुत पुराना रिलेशन है। ये जो पेंटिंग है हमने तंजो मजा से भरपूर गुफ्तगू तो इनसे की, ये जितनी भी पेंटिंग्स बनती हैं और उसकी जो कमाई होती है ये राबी अपनी पॉकेट में नहीं रखती, बल्कि यतीम, मस्कीन और बेसहारा बच्चों के लिए इन्होंने एक राबी पीरजादा फाउंडेशन के नाम से फाउंडेशन बनाई है, जिसमें ये उन औरतों को जिनके पास रोजगार नहीं होता उनकी एम्पावरमेंट के लिए काम करती हैं और उनको रेड़ियां लगा कर देती हैं, 40,000 की, 50,000 की, 30,000 की। इवन अभी भी मैं इनके घर में मौजूद हूँ तो बाहर काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं मौजूद हैं और जिनमें मुस्तहिक अफराद जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। लेकिन अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा इसको ख़रीद लेंगी तो एक तो एक उनका उनके पास एक अपनी पिक्चर आ जाएगी पेंटिंग फॉर्म में। इसी तरीके से बाजवा साहब जो हैं माशाल्लाह अगर वो भी खरीद लेंगे, रमजान का महीना है तो इनके जितने भी बच्चे हैं मुस्तहिक अफराद हैं उन तक वो मामलात पहुंच जाएंगे। और बाजवा साहब के लिए 2-4 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, तो इनके लिए भी कुछ नहीं, गवर्नमेंट बिक गई है, मुझे लगता है ये तस्वीर भी बिक जानी चाहिए। आखिर में कोई पैगाम देना चाहें तो आप दे दें, फिर इजाजत चाहते हैं। जितने जज्बाती हम अपने अवामी लीडर्स के लिए होते हैं चीजें, हम उतने जज्बाती अपने पाकिस्तान के लिए हो जाएंगे, पाकिस्तान विल डू गुड। मुझे बताइएगा आखिर में फाइनल रेट इसका क्या देंगे आप? 2 लाख रुपए से कम क्या करूँ, इतने का तो मेरे, थोड़ा सा और कम कर लेना आप। मेरी जो पेंटिंग है ना आप इन्हें धूप में 1,000 साल भी रखेंगे ना, ना ये फेड होंगी ना इन्हें कुछ और होगा, थोड़ा लेकिन धूप में तो मेकअप भी खराब हो जाता है। ठीक है, फॉर यू इट्स फॉर 1,50,000। नहीं 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 ये भी बहुत ज्यादा, और कम कर, आप मुझे बताओ आप कितने किलो? 4,000। ये सिर्फ आपकी जात के लिए आपने बनाया हुआ है, कोस दूंगा सिर्फ आपको। नहीं भाई तू एनजी लेवल पे।